गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और अभी इवनिंग टाइम में हम लोग घूमने आए थे इधर स्टेशन साइड में, तो यहाँ पे अभी बहुत सारा काम चल रहा है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से, इस साइड सामने में बहुत काम चल रहा है और अभी हम लोग बस घूम रहे थे इधर से उधर प्लेटफॉर्म्स पे। तो इस टाइम पे ना घूमने फिरने में थोड़ा अच्छा लगता है, और कल वैसे भी मुझे जाना है वापस लखनऊ, तो थोड़ा सा और घूम लेते हैं आज। ये देखिए यहाँ से हमारा जो स्टेशन है ना लखीमपुर का, थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, तो चलते हैं ऊपर। सो अभी हम लोग उस वाले प्लेटफॉर्म से इस वाले प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और बस इधर से उधर हम लोग अभी वॉक ही कर रहे हैं, तो और कोई तो हम लोग को यहाँ पे स्टेशन पे काम भी नहीं है। ये देखिए ये रही ये खड़ी हुई हमारी ट्रेन जिसपे कपड़े भी सूख रहे हैं। अच्छा जो ये देखिए यहाँ पे काम चल रहा है अभी दूसरे वाले प्लेटफॉर्म का। देखिए अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं। अरे यार भाई कहीं और घुमा दे लखीमपुर में, डेली डेली हम लोग खाली स्टेशन घूमने आ जाते हैं वॉक के लिए। इधर है गाइस बहुत सारे लोग हैं स्टेशन पे। अभी हम लोग इधर से पूरा एक उधर तक का राउंड मार के आए हैं, लेकिन कुछ क्या ही बातें बताते, तो अभी चलते हैं ऊपर, फिर से ऊपर से व्यू लेके आते हैं, क्या कहते हो? बड़े शांत रहते तुम, जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती वैसे बहुत शांत हो जाता है इंसान, सिग्नेचर पोज। सो अभी हम लोग इधर से देखते हैं, रुक जा भाई रुक जा, यहाँ से देखिए उधर तक का दिखता है पूरा, नहीं आ रहा कैमरे में, आ रही पूरी ट्रेन। सो अभी यहाँ पे एक भी ट्रेन नहीं है और हम लोग ऊपर वाले जो वो नहीं होता है ब्रिज उस पर चल रहे हैं। सावधान 25,000 वोल्ट्स, इसमें करंट है? अच्छा मैंने छुआ नहीं इसको। सो गाइज अपने लखीमपुर में और कोई जगह नहीं है घूमने की, घूम फिर के हम लोग शाम को बस इधर ही आ जाते हैं थोड़ा बहुत टहलने के लिए। और कहाँ तक घूमें यहाँ पे, और चलते हैं अब वापस, थोड़ी सी ताज़ी हवा ले ली बाहर की। ये देखिए यहाँ पे भी खाली कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है बढ़िया, और ये दिख रही पूरी रोड। तो अभी मैंने देखा ना कुछ लोग यहाँ पे स्टेशन पे आते हैं रील और वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, और मैं आई हूँ यहाँ पे ब्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन तब भी मेरे को कंटेंट नहीं मिल पा रहा है यार। तो अभी चलते हैं कोई बढ़िया सा पार्क घूम के आते हैं, फिर उसके बाद मम्मी के साथ भी हम लोग को कहीं पर जाना है, कुछ कह रही थी कहीं जाने के लिए। सो अभी हम लोग चलते हैं घर से, फ़ोन करना है। मम्मी थे जो कह रहे थे कि घूमने चलेंगे बालाजी, है ना, लेकिन अब मेरे को कल टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ कल। सो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, तो मम्मा कॉल कर रही थी क्योंकि अभी हम लोग को जाना है थोड़ा सा यहीं पास वाली दुकान पर से सामान लेने के लिए, और तो कल मैं जा रही हूँ ना, तो आज मम्मी के साथ थोड़ा सा वॉक वगैरह करके आते हैं, तो चलते हैं थोड़ा सा। ठंडी तो बहुत हो रही बाहर, चलो चलते हैं। फ्रेंड्स कितना बढ़िया गेट है यहाँ पे जाने का, चलो चलो, शाम के टाइम पे वॉक करने में मजा आती है ना। वैसे विशेष ठंड नहीं है, आपने शॉल ओढ़ रखी है इसीलिए, इसी बात नहीं है भाई, मेरे को तो बहुत ठंडी लग रही है बाहर, तो गर्मी भी है ठंडी भी है, पता नहीं कैसा मौसम है, खास ठंड नहीं लग रही, बाहर निकल रहे तो घर में ठंड लग रही थी। चलो बहुत टाइम बाद मम्मी निकली है मेरे साथ बाहर टहलने के लिए, तभी चलते हैं थोड़ा बहुत सामान खरीद के लाते हैं हम लोग दुकान पे से। सो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने बहुत सारा सामान ले लिया है, तो मम्मी ने मुझे ना बहुत सारा खाने का सामान दिलाया है, तो अभी हम लोग चलते हैं। तो हम लोग आए दूसरी गली से थे और जाएंगे अभी दूसरी गली से, ना माँ? तो अभी हम लोग चलते हैं टहलते घूमते घर। और सो अभी घर पहुँच के मैं खा रही थी पीनट बटर और ब्रेड। हो जाता थोड़ा सा कभी कभी, हाँ भाई बंद है, मतलब जो ब्रेड लाए हैं अभी उसको सेकूंगी, फिर उसके ऊपर पीनट बटर लगा के खाऊंगी। और अब है मेरे भाई के लिए, लेकिन खा मैं जाती हूँ जब भी मैं आती हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है खाने में, चॉकलेट चॉकलेट।
सो फ्रेंड्स अभी घर पहुंच चुके हैं और आते ही आते मम्मी ने बढ़िया से डिनर बनाया है, जो कि मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा है खाना आज सुबह से, पता नहीं क्यों। और कल देखते हैं कि लखनऊ जाना होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मेरा तो मन आगे पीछे हो रहा है कि एक दिन और रुक जाते हैं। वैसे भी अभी मतलब मैंने पूछा फ्रेंड्स से तो सब लोग कह रहे हैं कि मंडे को तो कोई नहीं जा रहा है कॉलेज, तो मैं अकेले क्या ही जाके वहाँ पे करूँगी, तो वही थोड़ा सा हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि कल रुकना है कि जाना है। और मैं अभी देख रही थी शिनचैन, ये आ रहा है प्यारा सा क्यूट सा हमारा शिनचैन, जिसको देखते ही मन खुश हो जाता है मेरा। और ये खा रहा है मेरा भाई डिनर, कैसा लगा? अरे भाई इसका सिग्नेचर स्टेप यही हो गया है। सो फ्रेंड्स इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन तब भी मैंने थोड़ा सा शूट करा, वरना मेरा डेली ब्लॉग वाला चैलेंज टूट जाता इसीलिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।